हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे यहां पर, और हम बना रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं अगर आप दवाई खा रहे हैं और आप अपनी दवाई को कम करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और सबसे पहले मैं बताता चलूं कि हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी वीडियो आपको ज़रूरी लगती हैं अपने रिलेटिव को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप अपने हार्ट, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, आप उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं घर पे बैठ के ही। उसके अलावा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, मैं उसमें ये बताऊंगा कि होम्योपैथी के द्वारा आप इसको कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं। बहुत सारी मिथ्याएँ भी हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को लेके किन लोगों को होता है, कैसे दवाई हमेशा खानी पड़ती है, तो आज हम इसको ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर, इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हम सिम्टम्स पे बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि ये होता क्यों है, इसका इलाज क्या है, किस तरह की बीमारी है। चलिए, सिम्टम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस में कोई सिम्टम नज़र नहीं आता हाई ब्लड प्रेशर का, कोई भी, जिसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, इसका कोई भी लक्षण सामने नहीं आता। और लोगों को ये लगता है कि इनका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हमारी जो बॉडी है अंदर से उसको पता होता है कि ये किस तरह की सिचुएशन झेल रही है। तो बहुत से केसेस में पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, कितना हाई है, कुछ पता नहीं लगता। बहुत से लोगों को कोई सिम्टम्स ही नहीं आता, तो इसलिए आपको ज़रूर चेक कराने जाना चाहिए डॉक्टर के पास में। किसी भी अपने घर के पास आप डॉक्टर के पास जाके इसको चेक करा सकते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। एक ऐसी बीपी की मशीन होती है इतनी बड़ी, उसमें पारा होता है और उसे आपका जो उसका कफ लगा के यहाँ पे आपको चेक किया जाता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो हमने बात की है कोई सिम्टम नहीं आता बहुत सी बार, लेकिन आम तौर पर जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक जो सिम्टम होता है वो होता है घबराहट, बेचैनी, छाती में, दिल में घबराहट का होना या दिल में जकड़न जैसा होना फील होता है। उसके अलावा सिर का भारी होना, सांस का कम होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को कि उसको जानबूझ करके सांस लेनी पड़ रही है। नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं हमें पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनको लेना पड़ता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं होता। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कुछ लोगों में उनको सांस भारी से आता है, उनको ऐसे करना पड़ता है, सांस लंबा खींचना पड़ता है, लंबा छोड़ना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, बार बार ऐसा नहीं होता। और जब वो लोग अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। चलिए, हमने बात की है सांस भारी होना, उसके अलावा सिर चकराना, आंखों के आगे कुछ तैरता हुआ दिखना या चक्कर आना, आंखों के आगे कुछ रोशनी आना, कुछ छोटी छोटी जैसे बल्ब जल रहे हों, जैसे आप किसी लाइट को देखकर आंखें बंद करके फिर खोलें तो कुछ ऐसा चुंधिया चुंधियाया हुआ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में ये भी दिक्कत हो सकती है, ये भी सिम्टम आ सकता है। उसके अलावा आंखों में लाली, आंखें लाल हो सकती हैं और चक्कर भी आ सकते हैं, छाती में दर्द हो सकता है। उसके अलावा बाएं हाथ में दर्द भी आ सकता है, जो दर्द होता है वो यहाँ से चलता है, यहाँ से ऐसे पीछे को आते हुए और यहाँ इस वाली जो छोटी उंगली है आपकी, यहाँ को दर्द निकलता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये
हार्ट अटैक का दर्द है और उसके अलावा गैस का है, एंजाइना है, तो हार्ट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होने की स्थिति में ये दिक्कत भी आ सकती है। चलिए, हमने डिस्कस कर ली है ये जो सिम्टम्स को। अब हम बात करते हैं कि आपका जो बीपी आपको कब कब चेक कराना चाहिए, और आमतौर पर जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक या ऊपर का और डायस्टोलिक नीचे का कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत कॉमन सी बात है कि जो आपका ऊपर का प्रेशर है, जो सिस्टोलिक जिसको कहते हैं, वो 120 से कम या 120 तक होना चाहिए, और जो नीचे वाला प्रेशर है वो 80 तक या 80 से ऊपर, ज़रा ऊपर नीचे हो सकता है, और ये नॉर्मल है। इसे अगर ऊपर होगा तो वो आएगा प्री हाइपरटेंशन में, और ज़्यादा ऊपर होगा 140 से ऊपर जाएगा तो फिर वो हाइपरटेंशन वाली इसकी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है जो बढ़ जाता है। तो ये भी कुछ आपका बीपी इस तरह से नापा जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है। बहुत बुरी हालात, समस्याएं सामने आ सकती हैं अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है और आप उसको चेक नहीं कराते। हर व्यक्ति को कम से कम महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। उसके अलावा जिनको कुछ प्रॉब्लम रहती है, छाती में बेचैनी, कब्ज होता है, पेट खराब रहना, छाती में जलन होना, खाने के बाद खट्टी डकारे आना, जिन लोगों को डिसपेप्सिया या पेट खराब है उनको जल्दी जल्दी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो हम बात कर रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप इसको ध्यान नहीं देते। बहुत से लोग सालों साल इसको ध्यान नहीं देते और फिर जो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो नंबर वन होता है हार्ट अटैक। जो लोग अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक नहीं कराते, दवाई नहीं खाते और एज इट इज इसको रहने देते हैं, तो बिल्कुल भी भूल ना करें, परहेज़ बिल्कुल करें। अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है, जो दवाई आपकी चल गई उसको लेते रहें, खुद से कोई भी दवाई बंद ना करें। और उसके अलावा जो जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको नेचुरली ठीक कर सकते हैं, ये बताऊंगा होम्योपैथी से ज़्यादा आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई कमी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम है वो आपके लाइफस्टाइल वाली बीमारी है। तो चलिए, हम चल रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो हार्ट अटैक मैंने बताया, उसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है, गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं, दिल काम करना बंद कर सकता है, या फिर स्ट्रोक हो जाता है दिमाग में क्लॉटिंग होने के बाद में, और जो स्ट्रोक है वो दिमाग में हो जाता है और से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता वो भी कंडीशन आ सकती है। तो इस ब्लड प्रेशर को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं इसको कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे वन नंबर वन, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो सबसे पहले आपको काम करना है अपने डाइट के ऊपर। हफ्ते में 1 या 2 दिन फास्ट रखें, व्रत रखें, रोज़ा रखें। उसके अलावा खाने में नमक का इस्तेमाल कम, सोडियम कम। अगर आप नमक खाते हैं ऊपर से डाल करके तो आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं। सोडियम बिल्कुल कट, अपने टेबल पर खाने की जगह पर नमक का डिब्बा हटा दें, खाने में नमक कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। सोडियम बॉडी में वाटर रोकता है, रिटेंशन करता है, उसके अलावा सूजन आती है, पानी भर जाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इसीलिए सोडियम को कम से कम खाएं। उसके अलावा पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिन फलों में जैसे केला है या और दूसरे फल हैं उनका सेवन ज़्यादा करें। नमक आज ही कट लगा दें नमक पर। उसके अलावा आप क्या खाएं, सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाद, होल ग्रेन, और जो रोटी खाएं उसके अंदर भी होल
होल ग्रेन होना चाहिए, और कुछ मार्केट में जो पॉलिश वाले चावल या गेहूं इस तरह के आ रहे हैं उनको ना खाएं, और अपने सामने जो गेहूं ला करके उसको पिसवा के उसका सेवन करें। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बताता चलूँ डाइट के बारे में, हमारी जो बॉडी है उसको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। हमारी बॉडी जिनके ऊपर चलती है, जो कॉमन न्यूट्रिएंट होते हैं बॉडी में, नंबर एक होता है प्रोटीन, जो आपको चाहिए ही चाहिए प्रोटीन। नंबर दो आपका कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट, और नंबर तीन पे आपका फैट। प्रोटीन, हम लोग प्रोटीन का बहुत कम सेवन करते हैं। एक बात ये रोक के बता दूं आपको, भारत में हर 5वें में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर है, उसको पता है या नहीं पता है। हर 5वें आदमी में एक को हाई बीपी है। आपके आसपास जितने लोग फिर रहे हैं आप देख लें, हर 5 लोगों में एक को है, तो आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कितनी कितनी जल्दी ये जो प्रॉब्लम है इविल बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे खाने की, आपको सबसे जो खाने में कम से कम डेली कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जो प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन आपका क्या, प्रोटीन इज़ द किंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन राजा कहलाया जाता है। और प्रोटीन के खाने से आपको भूख भी कम लगती है, उसके अलावा आपकी बॉडी में पूर्ति भी बहुत होती है। जितनी टूट फूट बॉडी में होती है उसको ठीक करता है, हमारी स्किन बाल और पूरी बॉडी, हमारी जो बॉडी है अराउंड 30% प्रोटीन है इसके अंदर। तो अगर आप प्रोटीन का सेवन करेंगे तो प्रोटीन दो तरह का होता है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, एक एनिमल बेस्ड होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप प्लांट वाला ले सकते हैं, सोयाबीन और दूसरी चीज़ें। अगर आप एनिमल अगर आप नॉन वेज हैं तो फिर आप अंडे ले सकते हैं। उसके अलावा जो चिकन है या फिर फिश है उससे भी आप प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं। प्रोटीन ज़्यादा लीजिए खाने में, आपका वेट लॉस भी होगा, आपका खाने का जो क्रेविंग है मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट को खाने की, वो भी कम होगी। कुछ फैट लें, कुछ कार्बोहाइड्रेट लें, ज़्यादा प्रोटीन लें अपने खाने पे। तेल सारे बंद कर दें, ऑल दी ऑयल्स हैव टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। दिल की कोई प्रॉब्लम हो, घबराहट चिंता परेशानी कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसका जिम्मेदार हमारे घर में खाए जाने वाले तेल हैं। और मसालेदार खाना, चिकनाई युक्त खाना, वसा युक्त फैट युक्त खाना, ज़्यादा मीठे का सेवन, ज़्यादा नमक का सेवन, इनसे ही हमारी बॉडी खराब हो रही है। तो अब जितना अब अपना एक अब BMI, जो आपका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसको निकाल लें और देखें कि आपको डेली कितनी कैलोरी चाहिए। तो अपनी कैलोरी काउंट करके उस हिसाब से उस जितनी आपको ज़रूरत है उससे कम खाइए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपकी जो दवाई है वो 1 महीने में आधी हो जाएगी। आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे आपकी प्रॉब्लम आधी हो जाएंगी 1 महीने में। उसके अलावा आपने हेल्दी डाइट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि सोडियम, ये सब बातें मैंने बता दी आपको। उसके अलावा आपको रेगुलर दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग जॉगिंग ब्रिस्क वॉकिंग, धीरे धीरे बढ़ाइए अपना जो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेटेड रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं। उसके अलावा अपने तनाव को कम करें, तनाव अगर आपको है तो उसको कम करने की कोशिश करें, योगा मेडिटेशन करें, खुली हवा में घूमने जाएं, शहर से दूर जाएं, टेंशन भरी लाइफ से हटने के लिए कुछ टाइम के लिए, इस तरह से आप अपने जो जीवन शैली है उसको बदलें। उसके अलावा जो लोग ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं कम कर दें, ख़त्म अगर नहीं कर सकते कॉफ़ी कम कर दें। उसके अलावा जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक मार्केट में है आपके पास में, कोका कोला पेप्सी जितनी भी चीज़ें हैं सारी नुकसानदायक हैं, आपका वेट बढ़ाती हैं, टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको कार्ब नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो इसको आप ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ अपनी बॉडी पे काम करेंगे तो ही आपका साथ देगी।
अगर आप भी सबकी तरह करेंगे तो सब तो बीमार हैं, बीमार आपको भी, अभी मैंने आपको बताया कितने लोग बीमार हैं, हाई बीपी हमको पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पे आप अगर इनका बिल्कुल रेगुलर इनका बातों को मेरी मानेंगे और इनका अनुसरण करेंगे तो ज़रूर आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अगर आप खाना कम कर दें, खाना आधा कर दें, दोपहर का खाना आधा कर दें, रात का खाना आधा कर दें, तो गारंटीड मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन दवाई एकदम से मत छोड़िए, डॉक्टर के पास जाते रहिए, वीकली 4 दिन में 5 दिन में अपना कराते रहिए। जैसे जैसे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी आपको खुद लगने लगेगा, बॉडी आपको बताएगी दवाई को कैसे लेना है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको जब हाई ब्लड प्रेशर की दवाई चल गई तो चल गई, अभी इस जीवन भर खाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है तो आप पूरी ज़िंदगी उसको नहीं खाते, क्योंकि आप ठीक हो जाते हो, जो फंक्शन है वो ठीक हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मुक्त जीवन, स्मोकिंग छोड़ देनी है, अल्कोहल छोड़ देनी है। तो अगर आप ये काम करेंगे और खाना आधा कर देंगे तो ज़रूर आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, तजुर्बे वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं एक और, मैं बात मतलब दवाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 17 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं सोच रहा था कि अक्सर लोग कहते हैं सर छोटी वीडियो, छोटी वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जा सकती। बहुत से लोग कहते हैं आप थोड़ा आराम से बोलते हैं, तो आराम से बोलना मेरी मजबूरी है। कारण ये है कि जब मैं आराम से बोलने के बाद में आप लोगों को सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, डेली कॉल्स आती है, कैसे लेनी है, क्या करना है, नंबर देना है, बहुत सारे क्वेरीज होती है। तो आराम से बोलने का तात्पर्य यह है कि आपको मेरी बात आराम से समझ में आए, आप उसका पालन करें, अनुसरण करें। अगर मैं जल्दी 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 बता दूंगा और लोगों की तरह से, तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा आपके, और मैं जो बोल रहा हूँ मेरा मकसद है आपको समझ में आए। तो जिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम चल रही है तो मैं दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। कारण हाई ब्लड प्रेशर का कोई भी होगा, अपनी अंग्रेजी दवाई चलाते रहिए, और उसके अलावा आप ये दवाई, दो दवाई आप लिख सकते हैं। पहली दवाई है रावल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंक्चर, रावल्फिया सरपेंटाइना मदर टिंक्चर ये लेना है। उसके अलावा क्रिटैगस मदर टिंक्चर, दोनों मदर टिंक्चर को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें, मिक्स कर लें, उसके बाद में उसको एक जगह पे रख लें किसी शीशी में डाल करके, और 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आप उसकी लेंगे, आधा कप ताज़े पानी में, तो आपका जो बीपी है बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा। या फिर अगर आपको कोई और दिल की प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या है, तो वो भी जड़ से हट जाएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पेटेंट दवाई है जो काम करती ही करती है, और ये हज़ारों लोगों पर आजमाई हुई है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आज इस टॉपिक को, प्रिवेंशन ऑफ हाई बीपी को, काफ़ी कवर कर लिया है। अगर आपके पास और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, एक नई सॉल्यूशन के साथ में, एक नए प्रिवेंशन के साथ में। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हेल्थ नॉलेज चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।